स्टूडेंट्स, आज हम क्लास वन इस्लामियत सबक अल्लाह ताला के बारे में आपको पढ़ाऊंगी मैं। सबसे पहले बच्चों हमें पता होना चाहिए कि अल्लाह ताला कौन है। अल्लाह ताला एक है, ठीक है। हम सबको किसने पैदा किया? हमें अल्लाह ताला ने पैदा किया। हमें, हमारे माँ बाप को, इस दुनिया को, इस दुनिया की तख्लीक किसने की है? अल्लाह ताला ने की है। अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारी नेमतों से नवाजा है ना। आप अपने इर्द गिर्द चंद नेमतों को देख लें, जैसे ये दुनिया, ये ज़मीन, आसमान, चांद, सितारे, फल, पौधे, दरख्त, ये सब अल्लाह ताला ने बनाए। हमें और हमारे माँ बाप को अल्लाह ताला ने पैदा किया है। अल्लाह ताला तो एक है, लेकिन अल्लाह ताला के 99 नाम हैं जिसका कुरान मजीद में जिक्र किया गया है। अल्लाह ताला यानी कि इस दुनिया का जो भी कायनात, ये जो कायनात चल रही है, ये किसके हुक्म से चल रही है? ये अल्लाह के हुक्म से चल रही है। बारिश होती है तो अल्लाह के हुक्म से होती है, हवा चलती है तो अल्लाह के हुक्म से चलती है, और अल्लाह ताला हमेशा से है और हमेशा रहेगा। इस बात का किसी को भी इल्म नहीं है कि अल्लाह ताला कब से है, कब तक रहेगा। अल्लाह ताला हमेशा से है और हमेशा रहेगा, हमें इस बात पर यकीन रखना चाहिए। अल्लाह ताला ने हम किसके बंदे? अल्लाह ताला के बंदे। यानी कि अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया अपने इबादत करने के लिए ना, इसलिए हमें, हमारा फ़र्ज है कि हम अल्लाह ताला के हर हुक्म को माने। वो हमारी हर बात को जानता है। अल्लाह ताला से कोई भी बात छुपी हुई नहीं रह सकती। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आपने अगर कोई गलत काम किया और आप अपने वालदैन के सामने झूठ कह दें कि चलो मैं बच गया, लेकिन आपको ये बात पता होना चाहिए कि आप अपने वालदैन के सामने तो झूठ कह सकते हैं, लेकिन अल्लाह ताला के सामने आपकी वो जो बात है वो अल्लाह ताला से छुपी हुई नहीं है। अल्लाह ताला हर बात से बाखबर है, अल्लाह ताला हर बात को जानता है। इसलिए हमें सच बोलना चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए, इबादत करनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया अपनी इबादत के लिए, ना कि इस दुनिया में बहुत सारे दूसरे कामों के लिए। उम्मीद करती हूँ आज का मेरा ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट सबक के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।